चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुड़की के रहने वाले डॉक्टर जसमेर सिंह नेहर को बचाने में अपनी अहम योगदान जो है निभाते हुए आए थे, और आपको बता दें कि ये वही जसमेर सिंह हैं जिन्होंने एक अपना अहम योगदान दिया है कई लोगों के माध्यम से नेहरू को बचाने की अपनी मुहिम के चलते आजकल चर्चा में बने हुए हैं। वैसे तो जसमेर सिंह काफ़ी समय से सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन साल 2021 में एक विशेष घटना घटी जिससे उनके कार्य में बदलाव आया। दरअसल उन्होंने छठ पूजा के दिन लोगों को नहरों में कुछ सामान विसर्जित करते हुए देखा। ऐसे में उनके मन में लाकर नदियों को लेकर लोगों को जागरूक करने का ख्याल आया, और इस तरह उन्होंने लगातार अपनी कोशिश शुरू कर दी। आपको बता दें कि जसमेर सिंह बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक, एनसीसी एनएसएस के कैंपों में जाकर बच्चों को जागरूक करना, साथ ही रैली के जरिए एक जिले से अन्य जिलों में जाकर भी लोगों को नहर नदियों के लिए जागरूक करने का काम कर रही हैं। डॉक्टर जसमेर सिंह बताते हैं कि पहले पानी के काफ़ी स्रोत पाए जाते थे जैसे कुएं, जोहार, तालाब, नलकूप, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके सब खत्म हो गए हैं। केवल ये नहरें ही बची हैं जो सभी को पेयजल देने का काम कर रही है, इसलिए ये सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इन नहरों को बचाया जाए। तो जिन डॉक्टर जसमेर सिंह की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जसमेर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। जी धन्यवाद मैम आपका, और सबसे पहले खबर फास्ट न्यूज चैनल का मैं आभार जताता हूँ कि हमारे इस पेयजल बचाने के मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग आगे आए हैं, धन्यवाद आपका। जी जसमेर सिंह, जैसे कि आप जो ये सराहनीय काम कर रहे हैं उसकी सराहना करना तो जरूर बनता है, क्योंकि आज के दौर में ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं नदियों को बचाने को लेकर। मैं ऐसा कि लोग काफी हमारे यहाँ जो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ रोहतक जिला है हरियाणा का, और यहाँ से दो नहरें गुजरती हैं जो आगे राजस्थान तक जाती हैं, जिसमें पेयजल ही मुख्य जाता है इनसे, क्योंकि पिछले काफी एक दशक में नहरें ही ऐसा स्रोत बची हैं जो पेयजल का मुख्य स्रोत बची है, क्योंकि कुएं, जोहर, तालाब जो पहले मुख्य जो स्रोत थे पेयजल का वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में हमारे पास जो पेयजल का मुख्य स्रोत वो नहरें बचती हैं, और इन नहरों को लोग अंधविश्वास के नाम पे या आस्था के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे अनेक तरह का सामान डाल के चले जाते हैं, और वो प्लास्टिक के बड़े बड़े रैप करके और युगा डाल जाते हैं। हम उनको रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं कि भाई आस्था रखी अच्छी बात है, परंतु ये पानी भी हमें जीवन देता, ये हमें सबसे बड़ी आस्था हमारी पानी है, तो इस पानी को प्रदूषित मत कीजिए, इसी प्रकार से पानी को बचाइए, आगे आने वाली पीढ़ी को बचाइए, जैसे हमारे को पिछली पीढ़ियों ने हमें दिया साफ स्वच्छ जल, दिया निर्मल जल दिया, तो हमें भी आगे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल, निर्मल जल दे के जाना है, इसलिए हमने इस मिशन का नाम दिया सुनो नहरों की पुकार। जी जी मैम जसमेर सिंह, जैसे कि कोशिश सरकार भी कर रही है इस समय कि तरह तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें, लेकिन बावजूद इसके अभी भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर भी है कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई है, लोगों को जागरूक करने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है पानी में कूड़ा करकट हमेशा से डालते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात, सरकार अपने लेवल पर प्रयास कर रही है, हम अपने लेवल पर, जैसे हमारा भी 3-4 स्तर पर कार्यक्रम चलता है, नुक्कड़ नाटक का अलग है, जन जागरूकता अलग है, स्कूल कॉलेजों में जाके अलग से है, और हम पिछले 1.5 साल से 15-20 लोग ऐसे सक्रिय लोग हैं, पिछले 1.5 वर्ष से एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं की, चाहे जिसमें होली भी आई, दिवाली भी आई, 15 अगस्त, 26 जनवरी, सभी दिन आए, हम नहरों में जाके आत्म पट्टी ले खड़े हो जाते हैं, लोगों को बताते हैं पेयजल का महत्व भी कि किसी प्रकार से इन नहरों को प्रदूषित ना कीजिए। छुट्टी के दिन हम वहां पर जाकर नहरों के अंदर या बाहर जो आसपास प्लास्टिक या जो भी सामान पड़ा होता है उसको साफ करके एक जगह पैक करके रखवा देते हैं, कहीं एक जगह उसका उचित निष्पादन करवा देते हैं। हमारा यही मिशन है सुनो नहरों की पुकार, इसमें पर्यावरण से जुड़े हुए कई लोग हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं, मुख्य तौर पर मैं 2-4 साथियों का नाम लेना चाहूंगा। हमारे एक शिक्षक हैं दीपक सारा जी, और एक साइकिलिस्ट मुकेश नानकवाल जी, रक्तवीर हैं अजय हुड्डा जी, डॉक्टर रविंद्र नांदल जी, और शिक्षक स्वीटी मलिक, रविंद्र मलिक, रिटायर विक्रमचारी बेर, रविंद्र मलिक, मिथलेश हुड्डा, मीनू नवनी चोरा, काफी ऐसे लोग हैं जो सक्रिय हैं, पर्यावरण को, समाज को समर्पित लोग, उन लोगों की संपूर्ण टीम है, और टीम के साथ हम डेली खड़े होते हैं नहर पे जाके।
जी, जी मैम, लेकिन जसमेर जी, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आप तो कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से 1000 कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दो चार लोगों की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। पूरे देश की ये समस्या है, पूरे देश के लोगों को इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा। मैम कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, इसलिए हम जैसे एनएसएस है, वाईआरसी है, स्कूल कॉलेज हम जाकर लोगों को बताते हैं कि भाई अपने पेरेंट्स को समझाइए, आप खुद भी उनको ऑथ भी करवाते हैं पेयजल जी बचाने के भी और पेयजल को प्रदूषित ना करने के भी। इसलिए ये काफी वर्षों से चली एक परंपरा है, जैसे नहरों को सामान डालना। हम ये जी मानते हैं कि भाई नहरों में लोग या तो पूजा पाठ के नाम पे फूल या हवन सामग्री राख इस टाइप का सामान डालते हैं, परंतु जब हमने इस 1.5 साल की रिसर्च में देखा है कि 100 से ज्यादा चीजें हैं जो लोग अंधविश्वास के चलते नहरों डाल के चले जाते हैं। कितने प्रकार का सामान, कोई फल फ्रूट ऐसा नहीं जो नहीं डालते, कोई ड्राई फ्रूट ऐसा नहीं जो नहीं डालते, रेवड़ी, गुड़, जो तेल वगैरह, तेल और जी विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, माताओं का जो मंदिर का श्रृंगार का सामान और मिठाइयां, कितनी चीजों ना लो, मैं 100 से ज्यादा चीजें हैं जो कि लोग डाल के एकदम से डाल के चले जाते हैं, जोड़ के चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि यही पानी डायरेक्ट किसान भी पिएगा, यही बिल्कुल पानी डायरेक्ट पशु भी पिएंगे, जो पशुओं दूध के जरिए आएगा, वो सारे ऐसे चीजें हैं जो घुलती नहीं, जो पानी में निकलती नहीं, आरो भी नहीं निकल सकता। इस कारण से हम लोगों को अवेयर करते हैं। जी, और कोई लेकिन सवाल? लेकिन जसमेर सिंह जी, ऐसे में इसका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है, सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब तक सरकार कोई ठोस कानून नहीं बनाती या किसी तरह का कोई बिल पास नहीं करती या कोई फाइन नहीं लगाती, तब तक शायद लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो क्या ज़रूरी है ऐसे में यहाँ पे कोई कानून बनाया जाए या फिर कोई नहीं बिल पास किया जाए इस तरीके से कुछ? नहीं मैम, इसमें एनजीटी का रूल कहते हैं, पानी को प्रदूषित करने का नियम है, इसमें बनाया गया है एनजीटी के रूल में जी ये भी बताया गया कि इसके पानी को प्रदूषित करने जो पेयजल है ये तो नहरों में सारा, इसको अगर कोई प्रदूषित करता मिलता है तो सजा का प्रावधान भी है, फाइन का प्रावधान भी है, जुर्माने का प्रावधान, दोनों चीजें हैं, जी परंतु वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोग इसको धर्म के साथ जोड़ के देख रहे हैं। परंतु धर्म अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, बिल्कुल अंधविश्वास ज्यादा है, अंधविश्वास ज्यादा है, क्योंकि धर्म का जो सामान है वो बिल्कुल रेयर है, बहुत ज्यादा सामान नहीं है धर्म से रिलेटेड। हम भी पूजा पाठ करते हैं परंतु नदियों नालों को या नहरों को दूषित नहीं करते, उस सामान का उचित नहीं कहीं जमीन में दबा दो, परंतु प्लास्टिक के बैग भर के यूं कहीं नहर के अंदर छोड़ देना, पानी के अंदर, हम उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जसमेर सिंह जी, बिल्कुल लगातार खबर फास भी लोगों से यही अपील करता है कि पानी को बिल्कुल भी दूषित ना करें और जितना ज़्यादा हो सके पानी को बचाएं, क्योंकि यही पानी जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, उनके ही इस्तेमाल के लिए काम में आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा जी संदेश जी देना जी जी चाहूंगा, जी हम लोग कहिए। हर जगह ये कहते हैं कि जल मिले, कल मिले, आज मिले, सबको मिले, स्वच्छ मिले, निर्मल मिले और प्रदूषण रहित मिले, ये संदेश मैं हर जगह एनएसएस पर मैं देता हूँ। धन्यवाद आपका। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जसमेर सिंह जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। तो ये थे जसमेर सिंह, जिन्होंने एक लंबा सफर तय किया है पानी को बचाने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये जो शुद्ध पानी है वो मिल सके और ताकि जो स्रोत हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज है, वो पूरी तरह से खत्म ना हो सके। चलिए, बढ़ते आगे आप